Hey guys, once again, I welcome you all in today's video. Friends, my name is Akash Srivastava and aap sabhi ka bahut bahut swagat hai hamare channel Edu Motivation pe. And like in this video, we are going to discuss ek bahut hi important topic tha WBJ ke liye. Hum log ne kai sare videos abhi tak banaye hue hain. Aur jo log pehli baar aaye channel pe, for those main bata dun aapko yaar, hum log ka ek Telegram group bhi hai jo ki dedicated hai WBJ ki jo ki counseling hogi. To WBJ help desk karke hum log ne banaya hua hai. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू कैन ज्वाइन दैट लाइक पर्टिकुलर ग्रुप ऑन टेलीग्राम सो दैट आपको तुरंत तुरंत सारी जानकारी मिल जाए. तुम्हें काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट हो तुम आगे पूछ सकते हो. तुम्हें फला फला किसी कॉलेज से रिलेटेड कोई डाउट है तुम आगे पूछ सकते हो. तुम्हें डाउट है कि भैया मेरी ये रैंक है, इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, तुम आके वहां पे पूछ सकते हो. तुम्हें डाउट है कि यार ये कॉलेज में मेरे को ये ब्रांच मिल रही है, ये ब्रांच अच्छी है कि नहीं अच्छी है, इस ब्रांच का रियल प्लेसमेंट क्या है, वेबसाइट पे जो दे रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है, तो तुम सही जानकारी वहां पे आके ले सकते हो. Because you will get to like you will be getting in touch. So like कई सारे seniors होंगे वहाँ पे जिनके तुम touch में आओगे और तुम जान पाओगे कि यार सही जानकारी वहाँ पे दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है. और I'll be there as a educator, ठीक है ना. अगर कॉलेज के जो बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जिनके बारे में पर्सनली मैंने विजिट किया हुआ है एंड आई नो देम, तो अगर उनका उन कॉलेज की कोई जानकारी चाहिए रिलेटेड टू अकेडमिक्स एंड प्लेसमेंट तो दैट आई नो, ठीक है ना, तो तुम वहाँ पे आके पूछ सकते हो. उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक श्योर तुमने ज्वाइन कर लिया हो. अभी तक नहीं ज्वाइन किया हो तो ज्वाइन जरूर कर लो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो. सो दैट जो लाइक यूट्यूब का एल्गोरिदम है वो बोलता है कि यार अगर तुमने बेल नोटिफिकेशन नहीं दबाया तो तुम्हें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, तो तुमसे WBJ का जो अपकमिंग वीडियो है वो मिस हो जाएगा. और हम हर अल्टरनेट डेज पे WBJ से रिलेटेड वीडियोस डाल रहे, तो तुम आके जरूर लाइक देखते रहना सारे वीडियोस, सो दैट जो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन WBJ से रिगार्डिंग है तुरंत तुरंत मिलती रहे. तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि मैंने WBJ का 2020 तक का एक्सपेक्टेड लाइक 2020 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ डाल रखा है तीसरे राउंड तक. मान के चल रहे हैं कि हम तीन राउंड तक काउंसलिंग होगी और कि तीसरे राउंड तक का काउंसलिंग में क्या कट ऑफ रहेगा, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं. यार ये बहुत सारे लोग का डाउट था, इंडिविजुअली डाउट का आंसर कर पाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था, तो इसलिए मैंने यही एक वीडियो के फॉर्म में बना के मैं आपको दे दे रहा हूँ, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी करेगी तुरंत तुरंत, आप जाके देख सकते हो. ओके तो हम स्टार्ट करते हैं. आपके पास तीन रैंक में, रैंक कार्ड में तीन रैंक लिखी होंगी. पहली होगी आपकी GMR, दूसरी होगी ट्यूशन फी वेवर जो TFW रैंक होती है, तीसरी होती है आपकी जो कैटेगरी रैंक, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो या ओबीसी से हो या एससी से हो या एसटी से हो, तीन तरीके की कैटेगरी होगी. इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं TFW, या हम लोग कैटेगरी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ GMR के बारे में बात करेंगे, बिकॉज दैट इज द GMR जो कि मैटर करेगी तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन के लिए. यहाँ पे सारी चीजें देखो मेंशन है. बात करते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस लाइक सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जितने भी कॉलेजेस हो सकते हैं वो सारे मैंने कवर करने का कोशिश किया है. फिर भी अगर तुम्हारा कोई फेवरेट कॉलेज है या तुम्हारा कोई ऐसा कॉलेज है जिस कॉलेज के बारे में भैया इंक्वायरी चाहिए मेरे को, तो तुम टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ज्वाइन करके यू कैन आस्क एनी नंबर ऑफ डाउट्स, तुम वहाँ पे आके पूछ सकते हो. दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तुम्हें अपने सीनियर्स की गाइडेंस मिल जाएगी. ओके तो हम लोग बात करते हैं. और बाकी जो परफेक्ट ऑर्डर है कॉलेज के, मतलब कि कौन सा कॉलेज कैसा है, उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियोस बना रखे हैं और मैं इन फ्यूचर एक वीडियोस लाऊंगा. अभी एक काउंसलिंग का रिजल्ट आने देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दोबारा से एक बार प्लेसिंग करेंगे, प्लेसमेंट्स को भी हम थोड़ा और एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद और प्लेसिंग वापस से करेंगे. अभी जब तक हम रैंक्स की बात करते हैं, ये है जादवपुर यूनिवर्सिटी. इसका देखो जनरल कैटेगरी का जो क्लोजिंग रैंक है तीसरे कट ऑफ राउंड के बाद, दैट इज 1417 रैंक पे क्लोज हो गई है आर्किटेक्चर. देन वेस्ट बंगाल का है अगर कोई बंदा जिसके पास डोमेसाइल है, उसके लिए 5470 पे 5470, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू कैन सी. और अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि जनरल कैटेगरी का और ओबीसी का है 32,661 है, ओबीसी वेस्ट बंगाल का क्रीम लेयर का आप 10,538 इसी तरीके से दिए हुए हैं. ऑल इंडिया कोटा भी मैंने दिया हुआ है यहाँ पे, ऑल इंडिया कोटा लिखा हुआ है. और ये सारी जो लाइक जानकारी मैंने इकट्ठा करी है और ये सारी वेबसाइट से ऑथेंटिकेटेड सोर्सेस है, इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ओके आप जाके खुद भी देख सकते हो. बाकी इसी तरीके से बी फार्मा का बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो 1135 है बाहर वालों के लिए, अंदर वालों के लिए 3846 तक भी मिल जाएगी, ठीक है ना. इसी तरीके से आप बाकी कैटेगरी का भी देख सकते हो. कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, कंप्यूटर साइंस बहुत सारे लोग पूछते हैं. 107 क्लोजिंग रैंक है जनरल कैटेगरी ऑल इंडिया के लिए, 103 फॉर वेस्ट बंगाल, देन ओबीसी के लिए 456, ओबीसी बी कैटेगरी के लिए 304, ए और बी कैटेगरी वेबसाइट में मेंशन है कि कौन कौन आएंगे ए बी कैटेगरी में. एससी कैटेगरी के लिए 1734, देन एसटी कैटेगरी के लिए 4795. ओके देन इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 323 एंड वेस्ट बंगाल वालों के लिए 428 और इसके 2588 ओबीसी वालों के लिए और लाइक 1075
हम लोग का ओबीसी बी कैटेगरी वालों के लिए और एससी कैटेगरी वालों के लिए 4757 ये जीएमआर है सारी कैटेगरी की। आपकी जीएमआर लिखी होगी आपके रैंक कार्ड पे, तो आप वो जीएमआर मैच करा लोगे कि भैया मेरी जीएमआर इसके रैंक के अंदर आ रही है कि नहीं। अगर आ रही है तो मेरा हो जाएगा उस ब्रांच में सिलेक्शन, कोई नहीं है, बहुत आसान काम है। ओके देन इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, ये हो गया हम लोग का 161 ऑल इंडिया के लिए, देन 207 फॉर वेस्ट बंगाल। देन नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग का ओबीसी एक कैटेगरी के लिए 1677, देन 734, देन 317 नहीं एसटी कैटेगरी के लिए, एसटी कैटेगरी के लिए 12428, ठीक है ना। इसी तरीके से बाकी ब्रांचेस का आप देख सकते हो। फूड का मैं जनरल पढ़ दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी पढ़ जाए सारे, और आप बाकी के अपने मैच करा सकते हो जो भी आप जानना चाहते हो। 711 है जनरल कैटेगरी के लिए, 183 आईटी वालों के लिए है अगर आप जेयू में एडमिशन लेना चाहते हो ऑल इंडिया कोटे से, और 305 है अगर आप वेस्ट बंगाल कोटे से लेना चाहते हो। तो अगर आप डोमिसाइल आपके पास वेस्ट बंगाल कोटे का है तो कंडीशन ये है, बिकॉज ओनली 10% सीट जो है वो आउटसाइडर्स के लिए है। हम लोग की जो 90% सीट्स रिजर्व है, लाइक दोज आर रिजर्व फॉर वेस्ट बंगाल कैंडिडेट जो वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल है। वेस्ट बंगाल के डोमिसाइल का मतलब जिन्होंने 12वीं कक्षा वेस्ट बंगाल से उत्तीर्ण करी है उनके लिए। ओके देन नेक्स्ट अगर बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, जो इंजीनियरिंग है उसके लिए 365 है, अंडर वालों के लिए 615 है, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 379 आउटसाइडर्स के लिए, 654 जनरल कैटेगरी इनके लिए, देन मेटलर्जिकल ब्रांच जो है 577 आउटसाइडर्स के लिए, 1223 अंडर वालों के लिए, पावर इंजीनियरिंग 580 बाहर वालों के लिए, एंड पावर इंजीनियरिंग जो होती है इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंदर में आती है तो उसका प्लेसमेंट भी इलेक्ट्रिकल वाली कंपनीज में होता है, ठीक है ना। तो 1223 बाहर वालों के लिए, अंडर वालों के लिए, वेस्ट बंगाल वालों के लिए। देन पावर इंजीनियरिंग मैंने बता दिया आपको, प्रिंटिंग हो गया 684 और 2069, एंड देन प्रोडक्शन का 602 एंड 1146 बाहर वालों के लिए। बहुत सिंपल है, आप आराम से पढ़ सकते हो। देन केजीसी की बात करते हैं, लाइक गवर्नमेंट कॉलेजेस पहले मैंने सारे मेंशन किए यहाँ पे, तो केजीसी हो गया कंप्यूटर साइंस 1328 में क्लोज होगा ऑल इंडिया वालों के लिए, ठीक है ना। और ये सबके लिए वैलिड है बिकॉज इसमें ऑल इंडिया बाहर वालों के लिए वैलिड नहीं है ये कॉलेज, ये दिस इज अ कॉलेज जिसमें 100% लोग वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होना कंपलसरी तुम्हारे लिए। सेम केस जेडीसी में भी है, ये दोनों कॉलेज ऐसे हैं जिसमें बाहर वाले लोग अलाउड नहीं, बाहर मतलब वेस्ट बंगाल के लोग अलाउड नहीं है, वेस्ट बंगाल के बाहर वाले लोग अलाउड नहीं है, वेस्ट बंगाल के लोग हैं वही अलाउड है, वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल है पूरा पूरा 100%। तो अगर तुम वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल होल्ड करते हो तो तुम्हारी इस रैंक तक तुम्हें मिल जाएगा 1328 तक कंप्यूटर साइंस। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1945, आप बाकी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे टीएफडब्ल्यू वालों के लिए भी लिख रखा है मैंने, ठीक है ना। देन आईटी वालों के लिए 2464 2464 तक मिल जाएगा, देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2430, मैकेनिकल हो गया 2992। देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ जेजीईसी की, तो सिविल इंजीनियरिंग 8248, कंप्यूटर साइंस 4015, इलेक्ट्रिकल 6095, 6000 तक भी मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 5890। ओ भाई ये हो गया आईटी, आईटी का 6300 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग 7192। मैंने मैक्सिमम ब्रांच कवर करने की कोशिश करी जो कॉलेज की है। देन इसके बाद रामकृष्ण महतो कॉलेज आता है, पुरलिया गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, जिसके बारे में आप सभी लोग पूछ रहे थे मेरे से। तो उसका जो है बीटेक का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कट ऑफ कितना है भैया, 7241। ओके एंड देन सिविल इंजीनियरिंग का कितना है, 6064, 6064। कंप्यूटर साइंस का मैंने बताया आपको, कंप्यूटर साइंस का 4683 से लास्ट राउंड तक 10018 तक भी गया है ये। और बाकी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 4141 से स्टार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 10027 से। देन सीयू है उसके बाद अपना कैलकटा यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये भी कॉलेज तो अच्छा है, आपने इसको क्यों नहीं डाला उसमें, लाइक हम लोग का जो डब्ल्यूबीजी का कॉलेज का रैंकिंग था। तो यार मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी कॉलेज से, जितना मैं अपने ओपिनियन से बोल सकता हूँ, बिकॉज यूपी में भी गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, बट मैं बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को रैंकिंग बाद में बोलता हूँ, मेरे को कोई पैसा नहीं मिलता प्राइवेट कॉलेज से ये बात बोलने का। अगर मैं आप जो आप मानना हो आपको मानना हो, नहीं मानना हो तो अपने मन में जीते रहो कि भैया को तो खूब सारा पैसा मिल रहा है, ऐसा नहीं है यार बिल्कुल भी, ठीक है ना। ना तो मैं कोई मैनेजमेंट कोटा प्रमोट करता हूँ अपने चैनल पे, ना तो मैं कोई फर्जी एक्टिविटी प्रमोट करता हूँ कि उस बंदे को कॉल कर लो, इस बंदे से तुम हेल्प ले लो अपने एडमिशन के लिए, इस बंदे को पैसा दे दो, और मैं ये चीज मना ही करता हूँ तुम्हें करने के लिए, ठीक है ना। तो मैं क्यों डाला है, उसका रीजन क्या है आईएम को ऊपर, क्योंकि मुझे लगा यार उसका प्लेसमेंट ठीक होता है और अल्टीमेटली बीटेक में बंदा जाता है प्लेसमेंट के लिए। और अगर तुम्हें फीस का थोड़ा बहुत भी इशू हो तो तुम सीयू चूज कर सकते हो, मेरे कोई सुनिए सीयू कभी, देखो जनरल रैंकिंग लगभग आईएम के पास ही है। कंप्यूटर साइंस का अगर तुम रैंकिंग देखोगे तो 1137 है, तो दैट मींस बहुत अच्छी रैंक वाले बच्चे जाते हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 1833, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 1772, अच्छी रैंक वाले बंदे जा रहे हैं। केमिकल 2430 और इसके अलावा केमिकल टेक्नोलॉजी 4506,
आईटी हो गया 1521 हो गया, ठीक है ना, ये रैंकिंग है आप देख सकते हो, सारी ब्रांचेस का मैंने डाला हुआ है, तो आप यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द ब्रांचेस, आप ले सकते हो. देन देयर आर अदर गवर्नमेंट कॉलेजेस लाइक मालदा, बेरामपुर एंड सीरमपुर एंड कोचबार. आई एम नॉट मेंशनिंग दैट एज प्लेसमेंट्स आर नॉट लाइक वेल ऑफ दोज कॉलेज, तो इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किए ज्यादा. सीयू मेंशन कर दिया, केजीईसी मेंशन कर दिया, जेजीईसी मेंशन कर दिया, और क्या मेंशन कर दिया, जेईयू मेंशन कर दिया. आईएम की बात करते हैं. आईएम कैसा कॉलेज है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जनरल कैटेगरी का जो है 5632 तक जाता है, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जाता है 1780 तक, कंप्यूटर साइंस का 1780 तक जाता है कट ऑफ इसका. देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 6868 जाता है, मतलब उसका कट ऑफ ज्यादा अच्छा था. सीयू का अगर आप देखोगे तो सीयू में अच्छे बच्चे जाते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया. और बाकी आईटी का 3169, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का 3974, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 7254, ठीक है ना. आईएम का रिव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो तुम जाके देख सकते हो, और उसमें तुम अपना कमेंट भी कर सकते हो कि तुम्हें वीडियो में और क्या जानना है, क्या जानकारी है. उसके लिए हमने डेडिकेटेड एक अलग टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, उसके लिए मैंने आपको बता दिया लिंक कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डालो जाके सर्च में टेलीग्राम में WBJE हेल्प डेस्क, हमारा नाम सबसे ऊपर तुम्हें मिलेगा, जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना. ओके, हेरिटेज जो है हेरिटेज में है हम लोग का, कंप्यूटर साइंस से स्टार्ट करते हैं. कंप्यूटर साइंस 3434, ठीक है ना, ऑल इंडिया बाहर वालों के लिए, मतलब सबके लिए इतना ही है कट ऑफ उसका. सिविल वालों के लिए 14319, देन केमिकल वालों के लिए 12972, बायोटेक के लिए 16692, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 9695. अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक ठीक ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के साथ प्लेसमेंट होता है इसका, बट तुम्हें काफी 99% केसेस में गेट की तैयारी करनी पड़ेगी, देन तुम्हें आगे एमटेक करने के लिए जाना पड़ेगा अगर इस ब्रांच से पढ़ाई करते हो तो. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है 5735 मैक्सिमम प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस वाली कंपनीज में, और कुछ थोड़ी बहुत ना के बराबर कंपनीज आती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तुम उनमें ले सकते हो. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करें हम लोग तो 4254, ठीक है ना, और आईटी की बात करें तो 11006. देन टेक्नो सॉल्ट लेक की बात करते हैं, टेक्नो मेन जो है उसकी. देन कंप्यूटर साइंस की है 5142, इलेक्ट्रिकल की है 12214. इनके मैं ऑलरेडी रिव्यूज बना चुका हूँ सारे कॉलेज के, तुम जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो कॉलेज रिव्यूज वाली, उसमें सारे जो रिव्यूज हैं इन्हीं कॉलेजेस के मैक्सिमम मिलेंगे तुम्हें. सिविल इंजीनियरिंग की बात करें 27772, देन फूड टेक्नोलॉजी 41108, तो ये सारी लिखी हुई है यहाँ पे देख सकते हो आप. एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी की अगर बात करें AOT की, मैंने इसमें भी रिव्यू वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, तुम आके इसके बारे में भी जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हो, तुम्हारे जो सुमित भैया हैं वो इसी कॉलेज से. ओके, देन कंप्यूटर साइंस की बात करें अगर हम लोग तो 14000 तक जाती है इसकी कट ऑफ रैंक, मतलब बहुत ऊपर तक जाती है. इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें 24000 तक जाती है, बहुत ऊपर तक जाती है. इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें 21000 तक जाती है. 37000 वाले जो पूछ रहे थे भैया मेरे को क्या मिलेगा, भाई ये देख तेरे को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकता है इस ब्रांच में. जो लोग 60000 वाले थे वो पूछे थे भैया मेरे को क्या मिलेगा, भाई देख तेरे को ये मिल सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग इसी कॉलेज में, तुम चाहो तो ले सकते हो. बाकी इसके अलावा सेंट थॉमस की बात करते हैं लास्ट में. यार इस कॉलेज के बारे में मतलब बहुत ज्यादा चीजें आउटकम में अवेलेबल नहीं है, बट एवरेज बहुत ही एवरेज प्लेसमेंट आप बोल सकते हो. इफ यू वॉन्ट टू टेक तो आप ले सकते हो. कंप्यूटर साइंस का 8988, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 14841, इलेक्ट्रॉनिक्स का 14449, एंड देन इलेक्ट्रिकल का कितना है 25287. देन बीबी पोदार लास्ट बात करेंगे हम लोग, और कंप्यूटर साइंस की 15631, इलेक्ट्रिकल की 39000, और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की 27000, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्या है 23000. तो इसके बाद नेताजी सुभाष, जो नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज है कोलकाता, उसकी हम बात करते हैं. सिविल की जा रही है कट ऑफ 79000 80000, बायोमेडिकल की जा रही है 62000, ओ भाई कंप्यूटर साइंस की जा रही है 11827, बहुत ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 23783. तो ये कॉलेज ऐसे हैं जिनको कोई भी ले सकता है, हर एक बंदा आके इनको कॉलेज को चूज कर सकता है, और बहुत इजीली तुम्हें सीट मिल जाएगी इस कॉलेज में. मैकेनिकल के लिए जा रहे हैं 80000, देन इसके बाद मेघनाथ साहा. मैंने सारे ही कॉलेज कवर कर दिए, कोई कॉलेज नहीं छोड़ा मैं तुम्हारे लिए, तुम कमेंट में पूछो ही मत मेरे से, तो इसीलिए मैंने सारे कॉलेज कवर कर दिए. देन कंप्यूटर साइंस की अगर बात करोगे तो 13000 14000 के आसपास है ये. देन सिविल की बात करोगे तो 80000 के आसपास है. इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करेंगे हम तो 25000 के आसपास है, 25000 के आसपास है. इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 70000 के आसपास है, और मैकेनिकल की बात करेंगे, यहाँ पे मैंने कैटेगरी मेंशन नहीं करी है बिकॉज आप PFW भी चूज कर सकते हो, इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो. जो कैटेगरी रैंक है वो सारी इनसे लगभग 1 से 1.5 गुना होगी. लाइक ओबीसी कैटेगरी लोगे तो 1.5 गुना हो गई, 2 गुना हो गई SC, फिर 3 गुना हो गई ST, तो आप ऐसे ले सकते हो. देन टेक्नो इंडिया जो राजराहट है हम बात करते हैं उसकी, कंप्यूटर साइंस की तो 4484 से लेकर 15620 तक. देन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन की 11000,
बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जाती 48,000 तक, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जाती 80,000 तक, बहुत ज्यादा तुम्हें आराम से मिल जाएगा ये कॉलेज, ठीक है ना। देन एमसीकेवी की बात करते हैं, ऑटोमोबाइल 80,000, कंप्यूटर साइंस 25,000, आर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 76,000, इलेक्ट्रॉनिक्स 50,000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 38,000। तो इस तरीके से पूरा नरूला लास्ट में हम बात करेंगे। यहाँ पे नरूला की बात करते हैं, अप्लाइड के 78,000 है, मतलब इसमें भी आपको हर एक ब्रांच, कंप्यूटर साइंस अगर लेनी है तो 19,000-20,000 तक रैंक आनी चाहिए, बाकी जो सारी ब्रांचेस हैं वो तुम्हें आराम से मिल जाएंगी 40,000-50,000 रैंक तक भी, क्योंकि यार ये रैंक पिछले साल के हिसाब से लिखी हुई है, तो इस साल तो थोड़ा और भी ऊपर नीचे होंगी, तो हम जनरल एक लेके चल रहे हैं कितना होगा। देन गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं हम लोग, 70,000 अप्लाइड की, कंप्यूटर साइंस की 40,000, इलेक्ट्रिकल की 77,000, 77,000, 80,000 तक ये कॉलेज भी मिल जाएगा आराम से। देन फ्यूचर इलेक्ट्रिकल ब्रांच 80,000, कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें 26,000-27,000 तक मिल जाएगी, बाकी सारी ब्रांचें 50,000 के आसपास भी आराम से मिल जाएंगी। बच की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग खत्म करेंगे अपने, बहुत सारे कॉलेज हो गए भाई आज। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे 80,000, ओ भाई, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे 27,000, इसका भी लगभग सेम ही है बच का पिछली बार की तरह, तो वही है। तो इस तरीके से पूरे कट ऑफ से इसके तो आप तुम देख सकते हो, ठीक है ना, आप तुम डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कौन सा कॉलेज में जाना है, कौन सा कॉलेज में जाने का नहीं है। फिर भी इसके बाद तुम्हें कोई डाउट बचता है तुम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लाइक पूछना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट जो अगले वीडियोस आने वाले WBJEE के वो तुम्हें सबसे पहले मिले। और तुम में से अगर कोई भी WBJEE 2021 की तैयारी करना चाहता है तो कमेंट में जरूर बताना कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, सो दैट मैं तुम लोगों के लिए कोर्सेज लेके आने का सोच पाऊं। जितने ज्यादा लोग होंगे WBJEE 2021 के लिए, उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लोग के लिए कोर्स लेके आएंगे, ठीक है ना। तो तुम्हें एक कमेंट करके बताना कि WBJEE 2021 के लिए तैयारी कर रहे हो कि JEE के लिए तैयारी कर रहे हो। हर एक तरीके के लिए हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है, मैं खुद मैथ्स टीच करता हूँ, तो आई विल बी देयर टू सपोर्ट यू। मैं बताऊंगा तुम्हें कि कहाँ से पढ़ाई करनी है, कैसे क्या करना है, मैथ्स में कैसे पढ़ना है। मैथ्स का वेटेज WBJEE में सबसे ज्यादा रहता है, और फिजिक्स केमिस्ट्री एक तरफ पूरा मिला के, और मैथ्स पूरा अकेले फोड़ देता है, तो वही चीज है। तो मैथ्स का सपोर्ट करने के लिए मैं रहूंगा खुद तुम्हें, ठीक है ना। तो इसी तरह सपोर्ट करने के लिए अपने आकाश भैया का बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जिस भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा, सो दैट मेरे तीन जो लाइक इस वीडियो को जितना ज्यादा हम सर्कुलेट करेंगे तो उतना ज्यादा लोगों को एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उनको सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू टेल ईच एंड एवरी वन। तो हम इस तरीके से एंड करते हैं ऑन अ पॉजिटिव नोट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, बाय।